नाज़रीन, वादी कश्मीर में जहां बर्फबारी का सिलसिला आज फिर से जारी है, वहीं आपको बता दें कि करना कुपवाड़ा के हवाले से अगर हम बात करें तो करना कुपवाड़ा में आपको बता दें कि वहां के जो मकीन हैं उन्होंने साधना टनल के ज़ेर इल्तवा मुतालबे को लेकर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया है। उन्होंने कहा कि करना को बाकी दुनिया से मिलाने वाली सड़क गुज़िश्ता 4 दिनों से बंद है। सड़कें बंद रहने से हाल ही में आपको बता दें कि चौकीबल में 3 लाशें जो हैं वो कई दिनों से वहीं पर हैं, और पिछले साल भी उन्होंने कहा है कि पिछले साल रोड एंड ट्रांसपोर्ट के जो वजीर हैं नितिन गडकरी, उन्होंने डोडा में एक रैली से कहा था कि साधना टनल के लिए 1300 करोड़ रुपए की जो डीपीआर है वो तैयार की है, लेकिन इलाके के लोगों का कहना है कि अभी तक जमीनी सतह पर कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर की जो सर्विस है वो भी अगर शुरू की गई थी, लेकिन इस साल वो भी कहीं पर देखने को नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि वहां पर करना टंगार के जो लोग हैं उनका कहना है कि पिछले 3 दिन से 3 लाशें जो हैं वो हंदवाड़ा या कुपवाड़ा के जो अस्पताल है वहां पर पड़ी हुई है, उन्हें वहां से सड़क क्योंकि बंद है वहां पर यानी अपने इलाके में नहीं ले जा सकते हैं। वो इस हवाले से मजीद क्या कुछ कहते हैं सबसे पहले वो देखते हैं, और उसके साथ उसके बाद जो है हम अपने साथी के पास चलेंगे और उनसे भी तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां के जो आम लोग हैं वो इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं आइए देखते हैं। जो हमारी बेसिक डिमांड है, काफी अरसे से हम डिमांड कर रहे हैं साधना टनल की, वो कई बार गवर्नमेंट ने उस चीज़ को का अप्रूवल भी दिया, बट अभी तक उसके रिलेटेड कोई भी उम्मीद की किरण हमें नहीं दिखाई दी। और मेन जो मकसद है आज यहाँ आने का और खड़ा रहने का, जो हमारी डेड बॉडीज़ हैं पिछले 3 दिनों से वो कुपवाड़ा में हैं, 3 डेड बॉडीज़ जो हमारी हैं उनको लेके 2 दिन मौसम ठीक था, कोई भी इनिशिएटिव कोई भी इकदाम नहीं उठाया गया, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ना किसी और के द्वारा। एक्चुअली जब हम पिछले पुराने टाइम की बात करें उसमें और आज में अगर हम फर्क ढूंढेंगे, मुझे नहीं लगता कोई फर्क है, तब लोग अपने कंधों पे डेड बॉडीज को लेके आ देते, आज इतनी टेक्नोलॉजी हो के फिर भी हमें 2-2, 3-3 दिन वेट करना पड़ता, उससे अच्छा है कि जो लोकल्स हैं, जो मेन मकसद था वो तो अब तक पहुंच ही चुका है कि साधना टनल जो कि हमारी दरीना डिमांड रही है वक्तन फवक्तन, उसके लिए करनाह के लोगों ने काम किया है, उसके लिए PRIs ने काम किया, उसके लिए टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने काम किया, उसके लिए करनाह का हर फर्ज जो था वो उसके लिए खड़ा रहा, लेकिन मामला सिर्फ ये रहा कि सरकार जो है उसको टस से मस नहीं हो रही। हर साल हमें इसी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साधना दर्रे को अबूर करना आज से 20 साल पहले हम मानते थे बहुत मुश्किल बात थी, जानों का खतरा था। करना कुपवाड़ा के लोग बात कर रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने इंतजाम लगाया कि इंतजामिया या यूं कहें कि मरकजी सरकार ने बहुत दफा जो है उनसे वादा किया था और बहुत सारी रैलीज में भी इस बात का ऐलान किया था कि साधना टनल को जो है बनाया जाएगा और इन लोगों को सर्दियों के इन सख्त तरीन आयाम में दुनिया के साथ जोड़ा जाएगा, क्योंकि साधना टनल एक वाहिद रास्ता है जो करना कुपवाड़ा या टनमर्ग के जो इलाका हैं उन्हें बाकी दुनिया से जोड़ते हैं, और वहां पर क्योंकि भारी बर्फबारी पड़ती है और इसके चलते कई दिनों तक वहां पर सड़क जो है वो बंद रहती है, और इसके चलते आपको बता दें कि हाल ही में जो है एक शख्स की जो है मौत हो गई थी वादी कश्मीर में, और उन्हें फिर वहां पर ले जाने के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और कई दिन वो लाश जो है रुकी पड़ी रही, और आज भी आपको बता दें कि 3 लाशें जो है वो इस वक्त भी हंदवाड़ा के अस्पताल में हैं, और उन्हें जो है वहां पर क्योंकि जमीनी रास्ता जो है वो मुनकते है, उन्हें टंगार नहीं पहुंचाया गया है। तो हम अपने साथी के पास चलते हैं, साहिल शमीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुपवाड़ा से, उनसे इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। शमीम बताइएगा कि ये ज़ेरे इल्तवा जो मुतालबा है, जिस तरह से ये कह रही हैं कि कई सालों से ये ज़ेरे इल्तवा मुतालबा है और सरकार की नोटिस में भी लाया गया है, कई जो सियासतदान हैं उन्होंने भी इस पर जो है वादा बन रहे हैं, उन्होंने वादे किए हैं लेकिन अभी तक वो पूरे नहीं हो पाए हैं, क्या कुछ तफसीलात हैं इसके हवाले से? जी साहिल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से टंगडार के लोगों ने आज फिर से एक बार जो है मरकजी सरकार को याद दिलाया कि उन्होंने जो है एक एहतजाज आज करना कुपवाड़ा में किया है, हालांकि भारी बर्फबारी के बीच जो है इन्होंने आज एहतजाज किया है। इनकी डिमांड है कि साधना टनल को जल्द से जल्द बनाया जाए, जिस तरह से मरकजी सरकार ने जो है कई करोड़ रुपये की जो है लागत से वो बनाने का वादा किया था। हालांकि अगर हम बीजेपी सरकार की बात करेंगे, जिस तरह से स्टेट प्रेसिडेंट जो वहां पर गए थे, हालांकि उन्होंने भी जो है लोगों से वादे किए थे वहां पर कि इस साल जो है इस टनल पर काम किया जाएगा, लेकिन साधना टनल के हवाले से आज
टंगडार के लोगों ने जो है जोरदार एहतजाज किया है। इनकी डिमांड है कि साधना टनल को जल्द से जल्द बनाया जाए। तो वही अगर हम बात करेंगे कि इनकी ये भी डिमांड रही है कि इनकी जो है तीन जड़बाड़ियां जो है वो श्रीनगर से लाकर जो है हंदवाड़ा अस्पताल में रखी गई है। हालांकि तीन रोज पहले जो है रोड बंद होने के कारण वो टंगडार जो है उनको नहीं पहुंचाया गया है। वही अगर हम बात करेंगे जिला एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है पहले से ही एडवाइजरी जारी की थी कि क्योंकि एवलांच का जो है खतरा था, तो जिस बिना पर जो है दो दिन पहले जो है रोड नहीं खोला गया है। वही अगर हम बात करेंगे मौसम की, तो मौसम जो है खराब होने की वजह से जो है दोबारा जो कल रात से ही जो है बर्फबारी का सिलसिला इन बॉर्डर इलाकों में शुरू हुआ है, जैसा टंगडार, केरन, मच्छल या जुमगढ़ की हम बात करेंगे, तो रोड जो है बिल्कुल मनकता हो चुके हैं, रोड जो है बिल्कुल बंद है। अभी तक जो हमारे पास जो इत्तलात मौसूल हुई है, तकरीबन 2 से 3 फुट बर्फ जो है वो जमा हुई है। तो इन लोगों की डिमांड है कि हवाई जहाज के जरिए जो है इन जड़बाड़ियों को फिलहाल जो है वहां टंगडार पहुंचाया जाए ताकि इनकी तदफीन वहां पर हो सके। तो वही अगर हम बात करेंगे लोगों में जो है आज काफी गम व गुस्सा देखने को मिला, क्योंकि इन्होंने जो है सरकार से अब मांग की है कि जब तक साधना टनल नहीं बनेगी तब तक ये लोग जो है हर रोज जो है एहतजाज करेंगे। जी साहिल, शमीम आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से लोगों ने ये भी कहा है, इल्जाम लगाया है कि हेलीकॉप्टर की सर्विसेज अगर वहां पर शुरू की गई थी तो हम अभी तक वो वहां पर कहीं नजर नहीं आ रही है, और इस तरह से आपने कहा कि तीन मैयतें जो हैं अभी भी हंदवाड़ा के अस्पताल में पिछले 3 दिन से ही, तो पिछली दफा जब हमने देखा था कि एक मैयत इसी तरह से अस्पताल में थी, उसे फिर एयरलिफ्ट किया गया था क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जो डिप्टी कमिश्नर को पड़ा है उनकी मुदाखलत के बाद ही जो है वहां पर उन्हें एयरलिफ्ट किया गया था। तो इस बार एयरलिफ्ट क्यों कर नहीं उन्हें वहां पर पहुंचाया गया? जी साहिल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है ये गड़बड़ी पिछले 2 दिन से वहां पर है, लेकिन हालांकि जिला एडमिनिस्ट्रेशन की जो है कोशिश रही है कि वो जमीनी रास्ता जो है वो बिल्कुल क्लियर करे, लेकिन एवलांच की वार्निंग जो ही आई तो अब एडमिनिस्ट्रेशन ने भी थोड़ा सा इसमें जो है एहतियात बरतने की जो है वो जरूरत थी, लेकिन लोगों से भी अपील की गई थी कि वो फिलहाल जो है एहतियात करें। लेकिन जब गड़बड़ी हंदवाड़ा अस्पताल पहुंची तो मौसम खराब होने के कारण जो है हेलीकॉप्टर भी नहीं चल सका, तो कहीं ना कहीं जो है जिला एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त जो है इन मैयतों को जो है पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मौसम में अगर थोड़ी सी तब्दीली आएगी तो हेलीकॉप्टर के जरिए जो है शायद इन तीन मैयतों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल शमीम तफसीलात पहुंचाने के लिए। अजीम साहिल शमीम हमारे साथ कुपवाड़ा से जुड़े हुए थे, और जिस तरह से मैंने कहा कि साधना टनल पर जो है बर्फबारी जो है काफी ज्यादा है, और माफी कीजिएगा साधना जो है वहां पर बर्फबारी काफी ज्यादा है, इसके चलते करना कुपवाड़ा या टंगडार के जो लोग हैं उन्होंने इंतजामिया के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया है, उन्होंने एहतजाज किया है और इस पर काम शुरू करने के लिए जो है इंतजामिया से अपील की है, और कहा है कि बार बार सिर्फ वादे किए जाते हैं लेकिन वादे कहीं वफा नहीं हो रहे हैं।